अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये है जी मेरा कल का व्लॉग, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरी शॉर्ट वीडियो से कि हमारे घर में न्यू बेबीज़ आ चुके हैं। तो ये मैं कल का पूरे दिन का व्लॉग बना रही हूँ। तो इस टाइम तक बच्चे पैदा नहीं हुए थे, और ये था दोपहर का टाइम, और यहाँ पे ना मैं मिर्चों का अचार बना रही थी। तो मान ये कहाँ पे आप गए हुए अंदर? हाँ हाय, ये देखें आप इनके काम। ये मैंने किचन में ये वॉश रखा हुआ है और उसके अंदर गया हुआ है, हमें पता भी नहीं है। और कोई जगह नहीं मिली थी आपको? कितने शरारती बच्चे हैं। अच्छा, इनको इस तरह का घर भी बना के दिया जा सकता है। कितना खुश हो रहा है लोहे का घर। देखो मैट चेक करना चाहता है। ओए ओए, अभी गिर जाता। आप इतने परेशान क्यों हैं? जोड़ी दिखाओ। आप इतने परेशान क्यों हैं? साशा बिनी, साशा चाचा, और ये जोड़ी, ये कौन कौन बैठे हैं? हेजल, जोए, साशा, मिनी, सारी के सारी लड़कियां ऊपर। सिर्फ हमारी ये मिनी नीचे, और मिनी ने अपना हाल देखें क्या किया है। ये इसने येलो फूड कलर लगाया हुआ है, पूरी येलो हुई है मिनी, और वो झाड़ू के साथ टॉफी। हर चीज में ये लोग पंगे लेते हैं, हर चीज में। और मोनी को दिखाओ, मोनी भी कह रही है मुझे भी वीडियो बनाओ। मोनी, मोनी, मोनी कर क्या रही है? मोनी अपनी मामा को सूंघ रही है, जुए निकाल रही है अपनी मामा की। उसकी मामा को जुए नहीं है ना मोनी? मोनी लड़के को ऐसे गुस्सा आता है सब पे। कोई कुछ कहता है नहीं। बिल्लू, 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 बिल्लोनी, ब्रानी, 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 बिल्लू, वो देखो खोलने की ट्राइयां। ये कौन है जी? काउ बॉय डैनी। मफिन, मफिन, मफिन। तो लोग कहते हैं कि दांतों में स्पेस हो तो बहुत पैसा होता है। हमारी नूरी के भी दांतों में स्पेस है, पर नूरी के पास तो एक रुपया भी नहीं है। नूरी तो गरीब भैया है, देखो है ना। नूर, नूर आपके दांत कैसे हैं? ये देखो, एंड नीचे वाले दांतों में स्पेस, ये देखो। नूरी आपके दांतों में इतनी स्पेस है, पर आप तो बहुत गरीब हो। आपके पास तो एक रुपया भी नहीं है, हैं? हाँ नूरी, हैं? ये देखो नूरी, छोटी सी चिड़िया है, छोटा पैकेट है, पर गुरूर कितना, वो कितना है, गुस्सा कितना है, जान है। अरे मेरे नए कपड़े, उठ उठ, ये ले। हाँ मारो इसको। इसे नहीं मारना अब, ये देखो, ये देखो इसे कितना मारेगा। बिल्लू, बिल्लू, अच्छा लड़कियों को नहीं मारना। ओ अल्लाह, बिल्लू लड़कियों को भी मार रहे हो, सिर्फ नूर को नहीं मारा। नूर इसका क्रश जो है। देखो बिल्लियों को क्या, बिल्लियों को भी अपने क्रश का पता है। नूर इसका क्रश है, नूर को नहीं मारा, जोए को इतना मारा। जोए पे आता, बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू बकीरा साथ खड़ा हुआ है। बिल्लू को पता नहीं क्यों गुस्सा आया है, बिल्लू की बंद रहती है हमेशा। बिल्लू देखो क्या हो रहा है, वो ये बकीरा तो तुम्हारी पौधे तबाह कर देगा, और साथ मोनी को लगाया हुआ है। जैनी को मैंने छोड़ा हुआ बाहर, और जैनी मेरे हाथ ही नहीं आ रही।
वो जो उस दिन मैंने जिन लोगों को बिल्ली वापस की थी ना, हमने उनकी बिल्ली को पकड़ने लगी थी जैनी। पता नहीं वो क्यों अपनी कैट को बाहर निकालते हैं, केयर ही नहीं करते लोग अपनी कैट्स की। देखो अगर कोई और, जैनी तो डरती है, अगर कोई और कुत्ता होता तो उसे कच्चा भून जाता, मतलब उसको खा लेता एक सेकंड से पहले। आप लोगों ने नीचे नहीं आने, 4-5 घंटे से ऊपर ही सुबह से बैठे हुए हैं और तक भी ठीक काम बैठे हैं। देखो मिस मैगी का ना सारा दिन बस एक ही काम होता है, घर के कोने कोने में जाके टिफी को ढूंढ के दूध पिलाना। टिफी मैगी का बेटा बना हुआ है छोटा सा, शक्ल भी मैगी जैसी है टिफी की। अभी भी टिफी को फीड करवा रही है। चलो चलें। मैक्स ये देख ऊपर करो, ये देखें जी नंगी पुंगी। मैक्स पानी दिया है, ये तो पॉलिश है मैजी। आंखें माशाल्लाह टिफी टॉफी पीसी पे गए हैं बिल्कुल बाबा जैसे, है ना। चलो चलें। अच्छा मैक्स हम आते हैं, ये देखो ये कौन है? मैक्स की बेटी ब्राउनी। आपने जाने, आपने जाने ब्राउनी। मैक्स का उलड़ा चमन ये ना सूप पीता है और गद्दा तरीन हो जाता है, हालांकि अभी 2-3 दिन पहले इसको पाती है। अभी देखना ब्राउनी, ब्राउनी देखो नाम कैसे पता है, ब्राउनी। बस उतार लो इनको, गिर जाएंगे फुजैल। बाबा भी हैं। नहीं टिफी जंप करेगा। बाबा ये आपके दोनों बच्चे, दोनों बेबीज, इनकी छोटी मामा किधर है पता नहीं। चलो जी मैं समझ। अभी हम लोग बाहर आए थे, कुछ ग्रॉसरी करनी थी और मैंने अपनी मेडिसिन भी लेनी थी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, बहुत दर्द कर रहा है, तो इसलिए मुझसे अब बात भी नहीं हो रही है और वॉइस ओवर भी नहीं मैं ज़्यादा कर पा रही हूँ। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि आप यहाँ बहुत छोटे व्लॉग्स बनाती हैं, तो आज का व्लॉग मैंने लॉन्ग बनाया है, पूरे दिन का बनाया है। तो जी अभी कुछ चीज़ें लेनी है वो मैं लूँगी और उसके बाद मैं घर जाऊँगी और घर जाके आपको बाकी का व्लॉग दिखाऊँगी। और हम लोग बाहर ही थे जब घर गए तो मिनी ने बेबीज पैदा कर दिए हुए थे। जैसे ही हम लोग घर आए तो हमने देखा कि मिनी ने ना ड्रॉअर को खोला हुआ था और इसके अंदर मैंने बेडशीट रखी हुई थी और ड्रॉअर को खोल के उस बेडशीट पे ही इसने ना बेबी को, एक बेबी पैदा किया हुआ था। इतनी चला के इसने वैसे जगह अपनी बिल्कुल सही बनाई हुई थी और यहाँ पे उसने एक बेबी पैदा कर दिया था। और अभी फिर मैंने इसको, कॉटन तो था मेरे पास लेकिन मैंने कहा चलो अब यहाँ कम्फर्टेबल बैठी हुई है तो एक दफ़ा कर ले पैदा। बेडशीट तो गंदी इसने ऑलरेडी कर ही दी है तो इसी पे ही और बेबी पैदा करना है तो कर ले, तो फिर मैं इसको ना कॉटन में डालती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा बहुत हेल्दी था, इवन सारे ही बच्चे बहुत हेल्दी थे। आप आगे देखेंगे कितने बच्चे हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं, तो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हेल्दी हुए हैं और एक्टिव बच्चे थे। और मिनी जो है ना एक बहुत अच्छी मदर है, बहुत अच्छी तरह केयर करती है। जब बेबीज़ होते हैं ना तो हर बेबी की दफ़ा कैट जो है ना डिफरेंट प्लेसेंटा रिमूव करती है। अब यहाँ देखें एक और उसने बेबी पैदा कर दी है तो इसका भी प्लेसेंटा निकालेगी और वो खा जाएगी। और आप देख सकते हैं दोनों बच्चे हेल्दी हैं। प्लेसेंटा मदर को खाने देना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर लोग की सोच इस तरह की होती है सुपरस्टिशियस के हम लोग ये संभाल लें, कैट की झिल्ली इसको कहते हैं तो हमारे घर बड़ा रिस्क आएगा, तो ये सब फजूल बातें होती हैं। कैट तो खुद ही एक बरकत है और जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं कैट्स के उस घर में बहुत बरकत होती है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला रिस्क देते हैं। ये हमारी छोटी नूर को देखें माशाल्लाह कितनी क्यूट है। और मैक्स जी ऊपर से देख रहे हैं, वैसे तो मैक्स मामू लगा इन बच्चों का लेकिन कोई पता नहीं इनका बाप भी हो सकता है क्योंकि हमें तो यही लगता है कि ये मफिन के बच्चे हैं लेकिन कोई पता नहीं, एक साथ रहते हैं तो शायद मैक्स ने मेट कर दिया हो, तो मैक्स या मफिन में से कोई भी हो सकता है। और अब जब ये बच्चे जो हैं ये 2 मंथ्स के हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह मिनी को भी अब स्प्रे करवा दूंगी। और ये देखें आपको नज़र आ रही होगी ब्राउन सी,
तो ये इसको प्लेसेंटा कहते हैं और उर्दू में इसको रोग झिल्ली कह रहे होते हैं। तो दो बच्चे माशाल्लाह से इधर पैदा हो गए हैं और बस अभी इसको थोड़ी देर में फिर ना मैं बच्चों को बाहर निकाल के तो मैं इसको कॉटन प्रोवाइड कर दूंगी और बच्चों को ना फ़ौरन से सर्दी है तो नीचे से शीट चेंज करके दें, ड्राई जगह दें, बच्चों को फ़ौरन ड्राई कर लें किसी कपड़े से, टिश्यू से ना, ताकि उनको सर्दी ना लगे। कैट की डिलीवरी से रिलेटेड मैंने पहले कितने ही ब्लॉग्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से और भी टिप्स के लिए आप देख सकते हैं। बस कैट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और जिनके पास ज़्यादा कैट्स होती हैं तो उनसे अपनी कैट को जो जब डिलीवर करी होती है ना बेबीज़, बहुत दूर रखें, क्योंकि कैट्स का या किटन्स का पता नहीं होता, वो खा भी जाते हैं अक्सर न्यू बॉर्न बच्चों को, तो इसलिए आपने इस चीज़ का एहतियात करना है। सम टाइम तो मदर भी खा जाती होती है अपने बच्चे, इसलिए आप मदर के पास बैठें। इस टाइम पे कैट को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। इस टाइम हमने मिनी को भी सेपरेट रूम में रखा हुआ है, बस मैक्स वगैरह पास आके देख रहे हैं तो वो हम लोग यहीं हैं देख रहे हैं, लेकिन मैक्स ऐसा कुछ करता भी नहीं है। तो बस आपने ना थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इधर मैक्स और हेज़ल जो है वो उनको आपस में ना वो खेलने की पड़ी हुई है, मैक्स हेज़ल के पीछे पीछे जा रहा है, उसके साथ खेलना चाह रहा है। मैक्स की आप कौन देख रहे हैं, कौन इसकी हम लोग रिमूव कर देंगे अभी थोड़ी देर में, तो बस अब इसको और ज़रूरत नहीं है कौन पहनाने की। माशाल्लाह इतना क्यूट लगता है और बिल्कुल तंग नहीं करता कौन पहन के। और मैक्स की जो सर्जरी थी वो बिल्कुल ठीक हुई है और अब मैक्स ठीक हो चुका है। अभी मिनी ने और भी डिलीवर करने हैं, अब देखें कब तक करती है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने हेल्दी बच्चे हैं। ये देखें ये लो मिनी, फीड करवाओ बच्चों को। मिनी मिनी इतनी खुशी, मिनी हाँ इतना पार, मिनी बेबी फीड कर रही है, इतना पार। येलो कलर की मिनी, ये मिनी ने फूड कलर से अपने आप को येलो किया हुआ है। दिखाओ बेबी दूध पी रहे, दिखाओ नहीं पी रहे, दोनों नहीं पी रहे। अभी हम लोग मिनी के लिए कॉटन अंदर ले आए हैं और ये बच्चों का जो हर्ट होता है ना कैट्स का, ये वही अंदर रखा हुआ है और इसी के ऊपर अब मैं ना बेबीज़ जो है मिनी को रख के दे रही हूँ। अभी तक तो दो ही डिलीवर हुए हैं और बच्चे पैदा नहीं हुए, बट इंशाल्लाह जैसे ही वो होंगे तो हम लोग देख रहे हैं, साथ साथ नज़र रख रहे हैं। और ये देखें बच्चे कितने हेल्दी हैं, माशाल्लाह पैदा होते ही इतना हेल्दी उनका ना मोटा मोटा सा टमी है। और बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है दूध पीने में, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा है मिनी के, तो अभी मैं ना मिनी के हेयर जो हैं वो साइड से निपल्स के पास से उनको ट्रिम कर दूंगी। तो इस तरह से न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो इजीली फीड कर लेते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, अभी इसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो माशाल्लाह लाजमी 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 माशाल्लाह आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओ मिनी जी जी, ओ पीली जी जी, एक अभी तक ना और बेबीज अंदर हैं पर अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, लेकिन ना एक देखें एक बेटी कितनी अच्छी माँ है, उनको अभी से फीड करवा रही है। ये हमें जीवा जब भी बच्चे पैदा करती है ना हमें पता ही नहीं चलता, तंग नहीं करती है, बिल्कुल बिल्कुल तंग नहीं करती, हमें पता ही नहीं चलता, बच्चे खुद ही बड़े भी हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा परवाह करने वाली मदर है अपने बच्चों की, माशाल्लाह। ये देखें हमारी छोटी जीवा जी 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 जी, ये देखें हसीन लड़की, हसीन लड़की।
मैक्स आप इतने हैंडसम क्यों हो? क्यों क्यों मैक्स क्यों? ओ वो देखो अब ये जाएगा सब टूटेगा, ग्लास भी टूटेगा। स्कूबी कुछ एहसास करो यार, कुछ शर्म करो, कुछ जा। आप देखो देखो कर रहे, ये देखिए अब उसके बाल उतारे हैं ना तो वो फीट कर रहे हैं। अब उसको पता चल, ये देखो पास से दिखाओ, ये देखें आपने भी इस तरह ना अपनी कैट के उतार देने हैं। पकड़ लो, देखना ही बच्चों को काट ना ले, काटती भी बहुत बुरा है। जिस बीबी का इतना मुंह गंदा क्यों है? इस छोटे बेबी का, इसके आईज में से पानी बहुत आता है जिस वजह से इसका ऐसे हो जाता है। इसको आई ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे। अब हमने अपने बड़े जितने भी मेल्स हैं हमने उनको न्यूटर करवा दिए, अब हम मिनी को भी स्प्रे करवा देंगे। बस ये मिनी क्या लास्ट बच्चे हैं, इसके बाद जो है मिनी से हमने बच्चे नहीं लेने। हमने तो अभी भी नहीं करवाना था, हमें पता ही नहीं चला इसने मेट कर। हमारे पास इतनी सारी कैट्स, हमें पता ही नहीं चलता। मिनू आप थोड़ा सा आगे हो ना, इसलिए जो हमारे एडल्ट कैट थे हमने पहले उनको न्यूटर करवाया है। अब बस स्टेप बाय स्टेप अब सबको न्यूटर करवा देंगे। हालांकि मैंने इस दफा नहीं इसको मेट नहीं करवाना था। देखो खुद लेट के, देखो देखो कैसे लेट के करवा रही है अपने आप को ट्रिप। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है मिनी। मिनी का हमने एक डिलीवरी व्लॉग डाला था, वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हाँ बहुत फेमस हुआ है वो। अब ये सेकंड जाएगा या थर्ड? ये मिनी का थर्ड जा रहा है, थर्ड जाएगा मिनी का। ये देखे मैंने कितने सारे हेयर उतारे हैं इसके, अब बेबी इजीली फीट कर लेंगे। अब मिनी का ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 5 घंटे बाद कोई बेबी आ जाए। हाँ। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सारे हों। चलो बच्चों अगर अगर आप अगर आपकी कैट मिसाल के तौर पर 2 से 3 दिन तक आपको फील होता है कि उसके पेट में कुछ है तो फिर वो डेड बेबी होगा। आप ज्यादा से ज्यादा ना 48 आवर्स तक या 36 आवर्स तक वेट करें। हाँ उसके बाद आप सीरियस हो जाएं। ना करें फिर आप इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। कभी कभी कुछ डिलीवरीज लेट हो जाती हैं और आपको हाथ लगा के ही पता चल जाता है कि अंदर बेबी और है। मिनी ने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? साथ साथ में मैं ना किचन में भी आके काम कर रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था, डिनर बनाना था और मेरे साथ बच्चे भी खड़े थे और साथ मिनी को भी देख रही थी जा जाके, और जो थोड़ी चीज़ें मैं लेकर आई थी वो भी मैं पैर रख रही थी। और ये मैं लेकर आई थी अंजीर अपने लिए फिक्स जो होती हैं। सो बस सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ और काम कर रही हूँ, और तबीयत आजकल ठीक नहीं है तो बस थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ। क्या कहती हो? बलोनी को क्या चाहिए? मिट्टी शेड को। रानी क्या चाहिए? जीवा एक ये जीवा हमारे पास। ओ ये क्यों नीचे उतरी हुई हो? ये क्यों नीचे उतरी हुई है छोटी बच्ची? छोटी नूर क्यों नीचे उतरी है? के ऊपर बैठी हुई है नूरी, छोटी नूरी। मिनी का एक और बेबी हो गया। चलो मुबारक हो मैक्स, मैक्स आप भी मुबारक हो। मिनी मिनो मिनो का मां चला एक और बेबी हुआ, ये देखें। ये देखें जी कितना प्यारा फजल, ये ब्राउन कलर नहीं है, ये नहीं ये मोनी वाला कलर है। हाँ ये इसने सेम मोनी जैसी एक और मोनी पैदा कर दी। देखो जरा लड़का लड़की, उठाओ उसकी टेल से उठा के देखो, वो भी मम्मा की फीट कर रहा है। एक मिनट,
लड़की है एक और मोनी आ गई है। ओ, दो दो लड़कियां एक लड़का। हाँ एक लड़का और दो लड़कियां, ये एक और मोनी मिनी ने पैदा कर दी है कि माशाल्लाह। अब बेहोश बच्चा है कि नहीं देखो। नेक्स्ट ये देखिए जी, मिनी ने एक और बेबी पैदा कर दी है और वो पहले वाले से भी डार्क कलर का माशाल्लाह। इधर आओ, कहाँ है बेबी? ये देखें जी फोर्थ बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो लगता है ये शायद मेल होगा, शायद ये पेयर बन जाए। माशाल्लाह मिनी के फोर बेबीज आ गए। ब्राउनी ब्राउनी आप जैसे तो और काके आ गए हैं ब्राउनी, ये देखो। छोटे मफिन को अंदर किया, उस पे गुस्सा किया उसने। छोटे मफिन के बहन भाई है ना छोटे, ये भी देखना। बड़े मफिन पे नहीं गुस्सा किया, छोटे मफिन को देखना। जीजी नहीं नहीं ये गुस्सा कर रहा है मफिन। अच्छा मिनी नहीं कर रही, ये गुस्सा कर रहा है वो। मिनी भी कर रही है स्नेक जैसे, नहीं जैसे स्नेक्स नहीं करते। देखो मिनी को दिखाओ ना, मिनी को दिखाओ। ओ बड़ा मफिन परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है? माशाल्लाह से चार बच्चे पैदा किए हैं मिनी ने और चारों ही बहुत हेल्दी हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल ठीक है। साइज भी बहुत बड़ा है, वरना न्यू बॉर्न किटन्स का साइज इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह मिनी ने बिल्कुल हेल्दी बच्चे पैदा किए हैं और अब और कोई बेबी नहीं है इसके अंदर। फील तो नहीं हो रहा है हमें भी तो अभी, और देखे ना पैदा होते ही सब बच्चे फीड करने लग गए हैं। ये होते हैं हेल्दी बच्चों की निशानी होती है, बस मदर की डाइट बहुत बहुत अच्छी रखें प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि मदर ने फीड कराना होता है। ये जायकेदार चावल बकरे हैं, लोबिया पुलाव पहली दफा खाने लगे हैं ना। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ लोबिया पुलाव। और मैंने ये देखें थोड़े से लिए हैं, ये मेरी आदत है लेने की और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब बस दम पे रखने का टाइम हो रहा है। डिनर में मैंने लोबिया पुलाव बना लिया था, मेरे पास लोबिया बॉइल्ड पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले यही बनाते हैं, जल्दी से बन जाएगा खाना। साथ मैंने रायता बना लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त से ये राइस बने थे। फर्स्ट टाइम मैंने वैसे लोबिया पुलाव बनाए हैं, लोबिया चावल तो खाया हुआ है पहले लेकिन ये फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो, लेकिन बहुत मज़े का बना था, बड़ा ना खिले खिले चावल और जूसी से राइस से बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी बना है। हमने पहले सोचा था हम सादे चावल बनाते हैं लोबिया के साथ, क्योंकि लोग बॉइल्ड चावल ही बनाते हैं ना। हाँ लोबिया और बॉइल्ड राइस बनाने थे, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि पुलाव बनाते हैं, लेकिन बहुत मजे का बन गया। लोबिया और पुलाव बॉइल्ड चावल भी अच्छे लगते हैं, मतलब हमने खाए हुए हैं लेकिन ये डिफरेंट टेस्ट है, मजे का है। हाँ अभी मैं अपने लिए रात को कहवा बना रही थी, कहवा पीऊंगी और अब बस हम लोग रेस्ट करेंगे। तो मिलूंगी अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।